आजकल कई बाबा लोग, वो बाबा जिनको हम बाबा कहने में मुझे शर्म लगती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है कि हमारे साधु संतों के, महामंडलेश्वरों के, दंडी स्वामियों के, आचार्यों के, ब्राह्मणों के आवरण पहनकर बड़ी बड़ी दुकानें जमा रहे हैं और उसके पीछे कुछ भी नहीं, नथिंग। देखा जाए तो जीरो ही जीरो दिखाई देता है, जीरो बटा जीरो, उस दुकान में कुछ भी नहीं है सिवाय आवरण के और मंडल के। और उनके पीछे का एक रहता है बड़ी बड़ी बातें मारना, माइक लगा लिया सामने और कुछ भी बोलना चालू कर दिया, मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं। हमारे यहां कहावत है, जो कहते हैं, जो करके दिखाएं उन्हें माइकल लाल कहते हैं, और जो कहते हैं पीछे हट जाते हैं वह माइकल लाल नहीं, हमारे यहां कहते हैं वर्ण संकरी औलादे हैं। क्रॉस बीज, हम जो कहेंगे, मैं 24 घंटे संकल्प लेकर कमर में पेटी बांधकर तैयार रहता हूं। हां, यह जमाना कानून का हाथ में लेने का नहीं है, यह योग कानून का हाथ में लेने का नहीं है, लेकिन कानून के अंदर रह करके, कानून को, अनुशासन को पालन करते हुए जवान से सद दिशा का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पंडोकर धाम पीठ अध्यात्म पीठ और शक्ति की पीठ है। इसलिए हमको सहन करने की आदत नहीं कोई ललकारे और कोई अंगली दिखाए और हम ना निमंत्रण स्वीकार करें, यह तो संभव नहीं हो सकता। निमंत्रण स्वीकार वो नहीं करते जिनके पास कुछ होता नहीं, पीछे वो हटते जिनके पास कुछ होता नहीं। मैंने सुना है एक वीडियो, तथाकथित वीडियो के माध्यम से, एक कोई कलिकाल का कालनेमी बाबा के माध्यम के चाटुकारों से, वो अपने आप को कली अवतार मान रहा है। अरे क्या वो वेद पुराणों की आवाज को धोखे चाट के पी गए क्या? अपने आप को कली अवतार बोल रहे हैं कि आप हमारे पुराण शास्त्र गलत है। संबलपुर में ऐसा ही तो है, विष्णु दत्त के यहां यही नाम है, फलाने फलाने शर्मा के यहां जन्म लेंगे, वह है कली अवतार होगा। कृपया आप तो मुझे यही बता दो, संबलपुर है कहां? है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो कली अवतार हो, कह रहा कि मैं ही कली अवतार हूं, तेरा घर कली अवतार है क्या? तो कली अवतार लिखने से कोई कली अवतार नहीं हो जाता, लेकिन यह सत्य है कि जितने भी यहां जन्मे हैं, जितने यहां बैठे हैं, ये सब कली अवतार के ही महापुरुष बैठे हैं। उसमें गिलौते आपके लिए नहीं है, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, समायोजन की बात कर रहा हूं। जितने भी यहां समाज जितने बैठे हैं, चाहे हमारी माताएं बैठी हो, चाहे बहन बैठे हो, चाहे भाई बैठे हो, चाहे हमारे पिता तुल, दादा तुल, गुरुजन तुल, या जितने भी हमारे मानव जाति बैठी हैं, ये सब कली काल के अवतार महापुरुष बैठे हैं, सब एक ना किसी ज्ञान के विशेषज्ञ बैठे हैं। लेकिन जिस तरह के पुराण शास्त्रों में आया है कली अवतार का, जन्म का और घोषणा का, वो तुम्हारी पद्धति नहीं है, जो आप अहंकार की धुन में लंबी लंबी दो हाथ की दाढ़ी को सूंघते रहते हो, कौंटलो तेल बर्बाद कर दिया। और तुम्हारे जो चाटुकार से लोग पंडोकर पंडोकर की माला जप रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। परमात्मा का नाम लो, तुम्हारी जीभ का मोक्ष होगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि मांस की जीभ से पंडोकर सका जप कर रहे हैं, इसी में तुम्हारा कल्याण और तुम्हारे साधक, तुम्हारे गुरु और स्वयं का भला हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। और कुछ और भी मांस की जीभ से बोल रहे हैं, वो आपको ही शुभकामनाएं, आपको बधाई, और मैं देता हूं रिटर्न टू गिफ्ट,
जैसा बोल रहे हैं वही आपके लिए भी प्रस्तुत है। यदि आप गड़बड़ सड़बड़ बोल रहे हैं, मैं आपको ही समर्पित करता हूं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के सभी महानुभावों को, विद्वान महापुरुषों के बीच में ये दास की बात जा रही है, आप अवश्य सुने। मैं फिर घोषणा करता हूं, हम कब मिले थे कब नहीं मिले थे मैं ये अब नहीं कहता हूं, बहुत पुरानी बात हो गई, इस बात को कोई भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन कृपया जब से लेके आज तक मैंने कभी भी महाराज जी को या जिन महाराज जी का जो हमको चैलेंज आया, जिनने संकनाद किया, जिसने अपने हाथ उठाकर के घोषणा की, मैंने उनके सभी निमंत्रण स्वीकार किए हैं, मैं स्वीकार करता हूं और हाथ उठा के कहता हूं स्वीकार करता हूं और संकल्पित हूं आप में दम हो तो मात्र एक मेरी बात को मान लीजिएगा, पढ़े लिखे वर्ग का आईएएस आईपीएस जो रिटायरमेंट है, जिनकी सर्विस कार्यकाल पूरा हो गया हो, अपने न्याय मजिस्ट्रेट के पद से जिम्मेदारी उनकी पूरी हो गई हो और घर बैठे हो, ऐसे महापुरुषों को चयन करें और वो ही न्याय करेंगे। एक गद्दी लगा करके ऐसे महापुरुषों को बैठाया जाए और पढ़े लिखे युवाओं को बैठाया जाए, उनके बीच में पंडुक सका का दरबार लगेगा और आप जिसको खड़ा करोगे उसकी मैं बल्दियत तो छोड़ो, पांच पांच चार चार पीढ़ी के नाम सहित बुलाया जाएगा।